चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण मंगलवार को चार पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से कम 36 लोगों की मौत हो गई है। इसके कारण 8 राज्यों में समान जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क रेल संपर्क प्रभावित हुआ। मिजोरम में 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 21 की मौत आइजोल जिले में माइंस गिरने की हुई, जबकि नागालैंड में 4, असम में 3 और मेघालय में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और बिजली एवं इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे केलुमडिंग डिवीजन के तहत न्यू हाफलोंग, जेंटिंगा, लामपुर स्टेशन और डिटोचेरा यार्ड के बीच जलभराव को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, साथ ही उनके समय में भी बदलाव किया गया। आपदा प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आइजोल में मेलथुम और हिलीमेन के बीच खदान स्थल में अब तक 21 शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई अन्य अभी भी सुबह ढहने के बाद मलबे में फंसे हुए हैं। जिले के सलेम, एबाक, लुंगसेई और फलक्कन में भूस्खलन की घटनाओं के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। वहीं नागालैंड में अलग अलग घटनाओं में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 40 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं असम में कामरूप मेट्रो और मोरीगांव जिलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हैं। असम राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोनितपुर जिले के ढोकियाजुली में एक स्कूल बस पर पेड़ की टहनी गिर गई, जिससे 12 छात्र घायल हो गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। लगातार बारिश कारण 17 गाँव में बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हो गए। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसमें 770 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 750 लोगों को विभिन्न जिलों में 15 राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से सभी एहतियाती उपाय करने और संवेदनशील एवं सुनसान जगहों पर जाने से बचने का अनुरोध किया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।